नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। देखिए, आने वाले कुछ ही दिनों में यानी कि मुश्किल से 1.5 महीने बाद सभी बच्चों के जो एग्जाम है यानी कि क्लास 10th और क्लास 12th की जो एग्जाम है वो शुरू होने वाले हैं। और बहुत सारे बच्चों की ऐसी शिकायत होती है कि हम जो भी याद करते हैं वो याद नहीं हो पाता या याद किया हुआ हमें याद रहता नहीं है। यानी कि आपने एक बार याद कर लिया लेकिन 2-4 दिन बाद या 6 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद उसको भूल जाते हैं। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम अगर आपको भी आ रही है, आप भी बार बार याद करने के बाद भूल जा रहे हैं या फिर आपको याद ही नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए आज मैं एक बहुत छोटा सा उपाय बताने वाला हूं। अगर वो आप रेगुलर करते हो कुछ दिनों तक, इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको जो याद किया हुआ याद रहेगा, अगर आपने बहुत पहले याद किया तो वो याद, अगर भूल गए तो वो भी याद आ जाएगा और आप किसी भी चीज़ को जल्दी से याद भी कर पाओगे। और यही तो हम चाहते हैं ना कि कोई भी चीज़ हमें जल्दी से याद है, याद हो जाए और याद होने के बाद उसे भूले नहीं। तो चलिए मैं आपको उसका उपाय बताता हूँ। आप क्या करें, जिस जगह पे आप पढ़ते हैं, कोई से भी रूम में अगर आप पढ़ रहे होंगे या घर में एक ही रूम में जैसा भी आपके पास व्यवस्था है, तो जिस रूम में आप पढ़ते हो वहाँ पर आप माँ सरस्वती की फ़ोटो लगाइए। फोटो मूर्ति कुछ भी, वैसे मैं आप फोटो की बात करूँगा, मूर्ति तो मत लगाना। तो आपने एक फ़ोटो लगा ली, उस फोटो के सामने आप रोज़ सुबह यानी कि जब भी आप स्नान कर लें, स्नान करने के बाद आप एक घी का दीपक जलाइए और एक छोटा सा मंत्र है वो आपको बोलना है। तो चलिए मैं वो मंत्र बता देता हूँ कि मंत्र आपको कौन सा बोलना है। मंत्र स्क्रीन पे लिखा हुआ भी आएगा, आप वहां से भी नोट कर सकते हो। सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तक धारिणी हंस वाहिनी समायुक्ताम विद्यादान करोपि हम। ये जो मंत्र है, इस मंत्र को अगर आप 21 बार डेली रोज सुबह नहाकर घी का दीपक जलाकर, माँ सरस्वती के सामने घी का दीपक जलाना है और इस मंत्र को 21 बार बोलना है। और ये मंत्र बहुत छोटा है, मुश्किल से आपको 2 या 3 मिनट, मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगेंगे इस मंत्र को 21 बार बोलने में, क्योंकि मुश्किल से कुछ सेकंड लग रहे हैं इसको एक बार बोलने में। तो 21 बार अगर बोलेंगे 2 से 3 मिनट में आपका काम हो जाएगा और इतना बड़ी समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी मात्र 1 या 2 मिनट के अंदर। यानी अगर आप डेली 1-2 मिनट इस मंत्र को बोलते हो तो आपकी जो बहुत बड़ी समस्या है भूल जाने की या याद नहीं होने की, वो समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है इससे आपको आपकी इस प्रॉब्लम में जरूर मदद मिलेगी। अगर आपको ये मदद मिलती है तो आप मुझे मैसेज करके जरूर बताइए। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तथा आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।